नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, आप सभी को अवगत कराते चलें कि रीवा रेलवे स्टेशन से चलने वाली जो ट्रेन है उन ट्रेन का जो समय है उसको परिवर्तन कर दिया गया है। रीवा से चलने वाली 12 ट्रेनों की समय सारणी में संशोधन हुआ है। ये सभी ट्रेनें 10 मिनट पहले रवाना होंगी रीवा रेलवे स्टेशन से, तो यात्रा करने से पहले एक बार आप ट्रेन का टाइम टेबल देख के निकलिएगा। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। पहली ट्रेन है रीवा केवाड़िया महामना एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन का टाइम टेबल 10 अगस्त से बदल जाएगा। ये ट्रेन रात में 8:45 पर रवाना होगी। वहीं रीवा राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन 12 अगस्त से 8:45 पर रवाना होगी। रीवा चिरमिरी ट्रेन, ये ट्रेन 12 अगस्त से 7:10 पर रवाना होगी। रीवा बिलासपुर ट्रेन 11 अगस्त से 10:05 पर रवाना होगी। रीवा रानी कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन 11 अगस्त से 7:55 पर रवाना होगी। रीवा इतवारी ट्रेन वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट, ये ट्रेन 12 अगस्त से, और रीवा इतवारी ट्रेन वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा, ये ट्रेन भी रवाना होगी 11 अगस्त से। इनके अलावा रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन 11 अगस्त से 4:20 पर रवाना होगी। रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर ट्रेन रात में 11:05 पर रवाना होगी 11 अगस्त से। हालांकि ट्रेन का टाइम टेबल थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता थी, 5 या 6 बजे इस ट्रेन को रवाना किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो फिलहाल अगली जो ट्रेन है वो है रीवा जबलपुर शटल, ये ट्रेन दोपहर में अब 2 बजे रवाना हो जाएगी। रीवा रानी कमलापति वंदे भारत, ये ट्रेन 5:20 पर अब रवाना होगी। इनके अलावा रीवा मुंबई ट्रेन, ये ट्रेन 3:50 पर अब रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाएगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जबलपुर मंडल ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। केमा और सकरिया के बीच 6 किलोमीटर लंबी डबल लाइन सेक्शन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की संचालन गति के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे पहले इस सेक्शन पर ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चला करती थी। रेलवे संरक्षा आयुक्त यानी कि CIS ने इस गति वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो कि क्षेत्र के यात्री और मालगाड़ियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सेक्शन पर एक स्थायी गति प्रतिबंध यानी कि PSR भी हटाया गया है, जो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस प्रतिबंध के हटने से अब ट्रेनें बिना किसी अवरोध के उच्च गति से गुजर सकेंगी, जिससे समय की बचत होगी और रेल सेवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी। इस महत्वपूर्ण सुधार के बाद रीवा और सतना के बीच चलने वाली ट्रेनों के संचालन में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। यात्रियों के यात्रा समय में कमी आएगी और माल गाड़ियों की संचालन क्षमता भी बढ़ेगी। इस गति वृद्धि से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर डिवीजन के अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है। इस उपलब्धि से रेलवे की प्रतिबद्धता और उनकी तकनीक दक्षता का भी प्रमाण मिलता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी रेल सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। इस सफलता के लिए जबलपुर डिवीजन के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को बधाई दी गई। यात्रियों और उद्योगों को इस गति वृद्धि से बहुत लाभ होगा और यह रेल सेवा की गुणवत्ता में एक नया अध्याय जोड़ेगा। जबलपुर रेल मंडल के उस उल्लेखनीय कदम से रेलवे की गति, सुरक्षा और सेवा में सुधार होगा, जो यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। आपको बताते चलेंगे रीवा से सतना के बीच में PSR लागू किया गया था। PSR एक प्रकार का प्रतिबंध होता है जिसमें ट्रेनों को ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाया जाता है। अब इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब रीवा से सतना के बीच में ट्रेनें 30 से 35 मिनट में पहुंचेंगी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।